कैसे ग्रह शांति आएगी, कैसे आनंद आएगा। घर में, हर घर में जो है एक न एक प्रॉब्लम है विचार की, जीवन शैली की। संकल्प से सब आ जाता है। दिशा बदल जाए तो दशा बदल जाती है। रोज दारू पीते रहो, बीड़ी पीते रहो, तमाकू खाते रहो, मांस खाते रहो, अंडा खाते रहो, जुआ खेलते रहो, दुनिया भर का झूठा धंधा करते रहो, कभी चित मत बदलो, कभी बुद्धि को कभी मत कहो कि चल, कथा में चल, सत्संग में चल, महात्मा के चरणों में चल, संतों के चरणों में चल, महात्मा पधारे हैं, भगत लोग आए हैं, चल मिल ले, दर्शन कर ले। आप कभी उस तरह का सोचेंगे नहीं तो कभी बुद्धि अच्छा काम नहीं करेगी। पल पल मरना पड़ेगा, क्षण क्षण मरना पड़ेगा। और पल पल जो मरता है वो जल्दी नहीं मरता है, उसे सारा नरक भोगना पड़ता है। जीवित ग्रह क्लेश में मर के रो रो के रहना पड़ता है। नौकरी में, बिजनेस में, सब जगह रो रो के जीना पड़ता है। तो बिजनेस में, नौकरी में, व्यवसाय में, घर में, मकान में, बाल गोपाल में, बीवी बच्चों में आनंद प्राप्त होना चाहिए, पर आनंद नहीं मिल रहा है। क्लेश पैदा हो गया है घर घर में, क्लेश पैदा हो गया है। क्यों क्यों पैदा हो गया घर घर में क्लेश? एक लाइन गुनगुनाएंगे, एक ही लाइन गाएंगे। घर घर में क्लेश पैदा क्यों हो गया है? कलयुग बैठा मार कुंडली, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाई तो अब कहाँ जाएं, घर घर में तो रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाए। घर घर में तो रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाए। घर घर में ये रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाए। कलयुग बैठा मारी कुंडली, कलयुग बैठा मारी कुंडली, जाई तो अब कहाँ जाएं, घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाए। घर घर में ये रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाए। कौशल्या जैसे मात पिता अब ना मिल जाए। हरि बोल। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता भी मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन जाए, जो आज्ञा ले बन जाए, जो आज्ञा ले बन जाए। भरत लखन से भाई को मैं, भरत लखन से भाई को मैं, ढूंढ कहाँ से अब लाऊं। हरि बोल। हर घर में ये रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग में ये रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मारे कुंडली, कलयुग बैठा मारे कुंडली, जाई तो अब जाऊं। घर घर में ये रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। घर घर में ये रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। घर घर में ये रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। मुझे
मुझे तो समझाने के लिए एक ही लाइन गानी थी, अर्थात जितना भजन मुझे आता है उतना गाना था, और समझाने के लिए वो पंक्ति गानी थी आपको। पर आपका भाग्य जोरदार है कि आपको चार लाइन और ज़्यादा सुनने को मिला। कहना ये चाहता हूँ व्यासपीठ से, कैसे ग्रह शांति आएगी, कैसे आनंद आएगा घर में। घर में, हर घर में जो है एक न एक प्रॉब्लम है विचार की, जीवन शैली की। घर में कोई न कोई एक व्यक्ति खतरनाक होता है जिसकी वजह से पूरे घर में अशांति अशांति फैली रहती है, और उसके प्रभाव से घर के दूसरे जो सज्जन हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं, वो भी ऐसे ही हो जाते हैं। फिर इतने राम कहाँ से लाऊं, भजन में ये पंक्ति तो है पर इसका समाधान किया है भगवान ने भागवत में। भगवान अगर हमें चाहने लगे, भगवान हमें प्यार करने लगे, भगवान हमारी माफ़ी दे दे, हमारे अपराध और अवगुण दोषों को इधर उधर टाल देवे, तो भगवान के पास में तो सामर्थ्य है। भागवत में तो लिखा है, एको अहम बहुश्यामी,